इलाहा इल्लल्लाह। फिर ये हिंदुस्तान के तूल अरज में अहले ईमान का नारा बन गया। सब यही नारा मारते थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमने अल्लाह से अहद किया था कि यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का निफाज होगा। और आगे नारा की तकमील यूं थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कानून शहादत क्या होगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज हमने गद्दारी किया उस नारे से। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का नफाज नहीं है, यहाँ हम अमरीका को खुदा मान के बैठे हुए, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, वाशिंगटन को अपना किबला काबा बनाया हुआ, और उसके नतीजे के अंदर हम रुसवा हो रहे हैं और हमें मजीद कारे मुजल्लत में गिराया जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है ये आपके सामने, हुक्मरानों की बात छोड़ो तो वो इस काबिल ही नहीं है कि उनका जिक्र भी किया जाए। वो जिस गिरावट में चले गए हैं, अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करो कि अल्लाह हमें कोई गैरतमंद, कोई साले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का कोई जानशीन अता फरमाए। और ये हमारा कसूर है, मैं हुक्मरानों को गाली देने की बजाय मैं कहता हूँ हम अपना मुहासबा करें। किसी ने जाज बिन यूसुफ से कहा था कि तूने हजरत उमर का दौरे खिलाफत देखा हुआ है, उन जैसा अंदाजे हुक्मरानी क्यों इख्तियार नहीं करता। तो उसने दो लफ्ज़ी जवाब दिया, तबाज़ारू अतअम्मरु लकुम, कहा तुम अबू जर बन जाओ, मैं उमर बन जाता हूँ। अगर हम ठीक नहीं होंगे तो फिर ऊपर रहमतों के साए नहीं होंगे। और हम क्या हैं, हम पता नहीं हमारी अक्ल कहां चली जाती है। ये जब इलेक्शन आता है डुगडुगी बजाते हैं, कौम फिर नारे मारती फिरती। मैंने कहा यार हम इतने गए गुजरे हैं, इन कमीना सिफ्त लोगों के नारे लगाएं, ये होते कौन है कि हम इनके नारे लगाएं। आज के इस कॉन्फ्रेंस में हमने फैसला करके जाना है कि आज के बाद जब भी नारा लगाएंगे सोने मोहम्मद का नारा लगाएंगे, नारे अपने रसूल के लगाएंगे। ये होते कौन है, ये मुल्क को लूटने वाले, ये खाइन, ये बदकार, ये इस लायक है कि हम इनके नारे लगाएं। कौम की आंखें नहीं है, कान नहीं है। अल्लाह फरमाता अलम नजल हुआ ही नहीं वाले सानों में से पता ही वह दई ना हो नजदई। हमने एक नहीं दो आंखें दी हैं, एक कान नहीं दो कान दिए। खोल के रखो कान और आंखें खोल के रखो और तुम देखो कौन कहां खड़ा है। हम कहते हैं जी वो नहीं तो चलो ये सही, इसमें थोड़े ऐब है, हम क्यों छोटे भी ऐब को अपनाएं। वो भी कल बड़ा बन जाता है जिसने मुल्क की एक पाई भी लूटी है, जिसने मुल्क का जो है वो एक जो है छोटे से मामले में भी गद्दारी की है, जिसने मदाहनत की है, जो अमेरिका के सामने कभी एक बार भी घुटने टेक चुका है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। गुलाम ख्वाजा गेती पनाहम के दर दीनश मलूकियत हराम। इकबाल कहता है मैं तो उस आका का गुलाम हूं कि जो बादशाहों को उलट के रख देता है। हम बादशाहों को नहीं मानते, हम मोहम्मद अरबी के निजाम के दावेदार। मैंने सियालकोट में कुछ बातें की तो कई लोग परेशान हो गए, पता नहीं इसने इलेक्शन लड़ना है। मैंने कहा मैंने मिंबरी क्या करनी है, अल्लाह ने मुझे रसूलुल्लाह का मिंबर अता किया, मैं इसको क्या समझता हूँ, हम इसकी परवाह भी नहीं करते। लेकिन ये भी आपको बताऊं हम गैर सियासी भी नहीं है। इदारतुल मुस्तफा ने कभी ये नारे लगाया कि हम गैर सियासी, हम गैर सियासी नहीं है, हम पूरे सियासी। कानत बनू इसराइल यसूसूना हुमुल अंबिया, बनी इसराइल के नबी उनको सियासत सिखाया करते थे। हम बेखबर नहीं है, हम जो है इन हालात से बेखबर, हम खुली आंखों से देख रहे हैं और हम जानते हैं कि इस मुल्क का खैरखा कौन है, इस मुल्क का दुश्मन कौन है। ये मुल्क किसी के जहेज में नहीं मिला, शहीदों के खून पर ये मुल्क कायम हुआ है। पूछो उन बूढ़ों से जो आग और खून का समुद्र गुजर करके आए, वो शख्स आज भी मौजूद है कि जिस शख्स ने मुझे ये कहानी खुद सुनाई। वो कहता है कि हम एक कमाद के खेत में छुप गए सिखों से बचते हुए और वो बेटियां उठा के ले जाते थे। तो एक बच्चा था खेत के अंदर, गर्मी की वजह से वो रोता था और बाहर सिख थे गुजर रहे थे, तो सारे उसकी माँ की तरफ घूर घूर के देखने लगे कि ये बच्चा हमें पकड़वा देगा। तो माँ ने अपने हाथों से उस बच्चे का गला दबा दिया। पाकिस्तान यूं ही नहीं बना है, माओं की गोद से बच्चे छीने गए और कफाम की नोक पे चढ़ाए गए और फिर उन बच्चों को पटक के जमीन पे मारा गया, उनके पेट फटे, अंतड़ियां फैल गईं। माँ ने क्या कहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज वो माँ नहीं पूछेगी तुमको, आज वो बच्चा कयामत में इन हुक्मरानों का गिरेबान नहीं खींचेगा। वो औरतें जिन्होंने कुएं में छलांगे लगा लगा के अपनी आबरू बचाई थी, और वो भाई जिनके हाथ बांध दिए गए उनके सामने उनकी जो है वो बहन की आबरू रेजी की गई थी। आज क्या हुक्मरान समझते हैं ये कौम बुद्धू है? अगर कौम बुद्धू भी है तो वो शहीद तुमसे इंतकाम लेंगे। अल्लाह का कोड़ा बरसने वाला है तुम्हारे ऊपर। ये मुल्क हुजूर के नाम पे हासिल किया गया था, हुजूर के ला इलाहा इल्लल्लाह पे हासिल किया गया था। इस मुल्क के अंदर जो है वो हम ला इलाहा इल्लल्लाह का नफाज करेंगे। दुआ करो अल्लाह मेरे वतन की खैर फरमाए।